क्राइस्ट शब्द संस्कृत शब्द कृष्ण से आया है। कृष्ण विभिन्न देशों में यात्रा करते हुए अंततः जब यह अरामाइक भाषा तक पहुंचा जो जीसस ने बोली थी, तब ये क्राइस्ट बन गया। भारतीय भाषा बंगाली में भी कृष्णा को क्रिस्टो कहा जाता है और क्रिस्टो से क्राइस्ट तक शब्द को यात्रा करने में बहुत दूर नहीं जाना पड़ा। इसलिए क्राइस्ट सिर्फ कृष्ण का ही एक रूप है। क्राइस्ट सिर्फ चेतना के अंतिम विकास का प्रतीक है। हजार पतियों वाला कमल का खिलना, जीसस केवल एक क्राइस्ट थे। उनसे पहले भी कई क्राइस्ट हो चुके हैं। अब्राहम एक थे, मूसा एक थे, लाओत्ज़ू एक थे, चोंगत्ज़ू एक थे, जरथुस्त्र एक थे, कृष्ण एक थे, बुद्ध एक थे, और क्राइस्ट के बाद भी कई क्राइस्ट हुए। नानक, कबीर, अल-हिल्लाज मंसूर, संत फ्रांसिस, एकहार्ट, रामकृष्ण, रमन महर्षि, एक लंबी श्रृंखला है ज्ञानी लोगों की। हम उन सभी को क्राइस्ट कह सकते हैं। ज्ञान, चेतना और आध्यात्मिक उत्थान की यात्रा में भौगोलिक सीमाएं मायने नहीं रखती। चाहे वे कृष्ण हो या क्राइस्ट, उनके संदेश और उनकी शिक्षाएं मानवता के लिए एक समान महत्वपूर्ण है। वे हमें चेतना के उच्चतर स्तर तक पहुंचने की प्रेरणा देते हैं, जहां हम स्वयं को और इस विश्व को एक नई दृष्टि को देख पाते हैं।